जनपद संभल के चंदौसी में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर विश्व रंगमंच दिवस के अवसर पर कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन ग्राम आटा स्थित ज्ञानवती बैंकट हॉल में समाजवादी पार्टी सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिव कुमार वाल्मीकि के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष असगर अली अंसारी तथा संचालन विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष मुन्ना लाल शाक्य ने किया। जिला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री असगर अली अंसारी ने कहा कि रंगमंच के कलाकारों का हम सबको मिलकर सम्मान करना चाहिए, क्योंकि ये समाज की धरोहर है। अपनी निष्ठा और मेहनत से देश और प्रदेश को अपना योगदान देते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है। समाज में जो कुरूतियाँ हैं उनके विरुद्ध वे अपनी कला के माध्यम से विगुल बजाते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा रंगमंच के कलाकारों का सम्मान किया है। जिला समाजवादी पार्टी के महासचिव किशन मुरारी शंखधर ने कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले रंगमंच के कलाकारों का फूल माला पहनाकर स्वागत करते हुए कहा कि रंगमंच का कलाकार समाज में अपना बहुत बड़ा योगदान देता है, वहीं समाज की अच्छाई और बुराई की व्याख्या अपने रूप से करता है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता सतीश प्रेमी ने कहा कि रंगमंच का कलाकार देश की सांस्कृतिक विरासत को संभालने और उसे सुरक्षित रखने का काम करता है। संविधान निर्माताओं ने भी समाज में अपना रखने वाले रंगमंच के कलाकारों को राज्यसभा तथा विधानसभा में आरक्षण देकर भेजने की व्यवस्था की है। कार्यक्रम में रंगमंच के कलाकार गोपाल शर्मा, विकास पाठक, दाताराम भारती, पवन कुमार शर्मा उर्फ पन्नी, निशु वरदान, आकाश कुमार, इकरार मोहम्मद आदि मौजूद रहे, जिन्हें सम्मानित भी किया गया। कलाकार रंगमंच विश्व लेवल पर दिवस मनाया जा रहा है। समाजवादियों ने हमेशा इस देश की सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने का प्रयास किया है, और इसका सबूत है कि माननीय मुलायम सिंह जी से लेकर के माननीय अखिलेश जी से लेकर के हमेशा लोग, चाहे राज्यसभा हो चाहे विधान परिषद हो, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने भी उस स्थान को तय किया है, समाजवादियों ने हमेशा राज्यसभा में और विधान परिषद में रंगमंच के जो कलाकार हैं, जो इस देश की सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखना चाहते हैं, उनको भेजने का काम किया है। आज दिवस पर हमने संकल्प भी लिया कि समाजवादियों के संरक्षण में, माननीय अखिलेश यादव जी संरक्षण में, सांस्कृतिक विरासत को जिंदा रखने के लिए रंगमंच के कलाकारों को लेकर आएंगे, उनकी जो संयोजने का काम करेंगे उनको, और उनकी विरासत को आगे जिंदा रखेंगे। धन्यवाद। आज हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के द्वारा आज जो विश्व रंगमंच दिवस के मौके पर हम लोगों को यह आदेशित किया गया था कि आप समाजवादी पार्टी के लोग कलाकार घेरा कार्यक्रम का आयोजन हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के हर ज़िले पर करने का आदेश हम लोगों को हुआ था। आज हमें उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर अपने सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं भाई शिव कुमार वाल्मीकि जी, उनको कह करके सारे कलाकारों को यहाँ पर जो आए थे हमारे कलाकार, उन लोगों को सबको हम लोगों ने सम्मानित करने का काम किया है।